हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कोण। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोण। देखिए कोण किसे कहते हैं। एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती हैं, देखिए रेखाएं का नाम लीजिए ए बी। ठीक है, एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती है तो उनके बीच, उन दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे हम कहते हैं कोण। थीटा बराबर कोण। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक बिंदु से दो रेखाएं नहीं खींचा सकते हैं, अनंत खींचा सकते हैं, लेकिन हम बस दो रेखाएं की बात करेंगे। एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कहते हैं कोण। थीटा बराबर कोण। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं तो लिखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे दोस्तों कोण की इस तरह। कोण की परिभाषा होगी एक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती है तो उन दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बिंदु है, इनसे दो रेखाएं निकल ली हैं ए और बी। ए और बी के जो झुकाव है उसे हम कहते हैं थीटा बराबर कोण। ठीक है, चलिए अब कोणों के प्रकार। देखिए दोस्तों कोणों के प्रकार लिखेंगे यहाँ पर कोणों के प्रकार। ठीक है, कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं तो कोण हमारे छह प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण ठीक है, दूसरा सम कोण, तीसरा है अधिक कोण, चौथा सरल या ऋजु कोण। ऋजु कोण और पांचवा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। छठवां है संपूर्ण कोण। ठीक है, कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के। पहला है न्यून कोण, दूसरा सम कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा सरल या ऋजु कोण, पांचवा प्रतिवर्ती कोण और छठवां संपूर्ण कोण। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ से न्यून कोण से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों न्यून कोण, न्यून कोण की परिभाषा होती है वह कोण। लिखिए देखिए लिखेगा यहाँ पर परिभाषा, वह कोण जो जीरो अंश से बड़ा
और नाइन्टी डिग्री से छोटा ओ, उसे कहते हैं कौन सा कोण? उसे कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, वह कोण जो 0° से बड़ा और 90° से छोटा है। इसका चित्र देखिए, इस तरह बनता है, इस तरह। ठीक है, देखिए, यह 0° से बड़ा है और 90° से, 90° यहाँ पर बनता है ना, इस तरह इस तरह। तो 90° से छोटा है तो हो गया हमारा न्यून कोण, यानी 0° से बड़ा थीटा और 90° से छोटा। ठीक है, इसका यह चित्र हो गया। फिर दूसरा देखिए, सम कोण का, सम कोण, सम कोण की परिभाषा क्या होती है? देखिए, वह कोण जो, वह कोण जो 90° के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए, वह कोण जो 90° के बराबर होता है, देखिए इस तरह का, हम 90° बताएं, यह कोण जो 90° का है। ठीक है, इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, और इसको रेखा कहते हैं क्षैतिज। ठीक है, अब देखिए तीसरा, इसका इस तरह चित्र बनेगा समकोण का। अब तीसरा देखिए, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। ठीक है, इसकी परिभाषा होगी, वह कोण जो 90° से बड़ा और 180° से